नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित ट्रेजर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फोर्टनाइट गेम आप किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसको चला सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाके दिखा दूं कि मेरा मी ए वन है फ़ोन सिस्टम में जाके। ये आपको अबाउट फ़ोन में मी ए वन है, शाओमी मी ए वन है और एंड्रॉइड 8.1 रनिंग कर रहा है, तो इसमें कोई एडिटिंग वगैरह है नहीं। उसके बाद होम स्क्रीन में आके ये फोर्टनाइट आपको दिखा रहा हूँ गेम, ओके। इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि ये वास्तव में रन कर रहा है, कोई बूट वगैरह है नहीं। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि गेम को कैसे डाउनलोड करना है ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए आजकल, क्योंकि ज़माना बहुत फेक वीडियोस का है। सो बस मैं इसलिए डर रहा हूँ कि बस वो स्ट्राइक वगैरह का डर है कि आजकल नूड वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं पहले आ चुका था ये, बट मैं आप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखा मैंने इसके बारे में, तो इसलिए मैं फाइनली बना रहा हूँ। बाकी ये इसके बारे में मेरे को बहुत पहले पता चल गया था कि इसको आप किसी भी डिवाइस में रन कर सकते हो। सो आप गाइस देख सकते हो, पुश कर देता हूँ वीडियो को कुछ सेकेंड। हम होम स्क्रीन में आ गए गेम के, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये गेम सच में चल रहा है। तो वापस हम वहाँ पे चलते क्या बोलते फ़ोन के होम स्क्रीन में। अब आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ भी इसमें जादुई सिस्टम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे एक लिंक को पेस्ट कर देना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद करना क्या है ये भी आपको बताता हूँ, ओके। पेस्ट करना है और इस तरह का एक जी ड्राइव का लिंक खुल जाएगा, ओके। इसको सिंपली डाउनलोड करना है आपको अपने फ़ोन में और ये 90 MB के अराउंड है, ओके। इसको डाउनलोड करना है और ये एक APK फाइल है, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है, ओके। इंस्टॉल करके फिर आपको क्या करना है, ओपन करना है, ओके। ओपन करना है तो जैसे आप ओपन करोगे ना गेम को, तो होता क्या है दोस्तों, आपको जैसे आप गेम को ओपन करोगे तो आपको 1 GB का फाइल और डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। 90 MB का ये APK फाइल है, तो आपको 1 GB का फाइल जो है और डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका वीडियो मैं आप लोगों को अभी एक सेकंड इसको पुश करता वो दिखा देता हूँ, ओके, कैसे होगा। दोस्तों कुछ ऐसा होगा, जब आप गेम को डाउनलोड मतलब ओपन करोगे पहली बार इंस्टॉल करके, तो डाउनलोडिंग करने के लिए आपको बोलेगा, आपको 814 MB का एक और एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, वो आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये डाउनलोडिंग हो रहा है, 814 MB तक डाउनलोड करेगा। उसके बाद गेम काफ़ी देर तक लोड होगा क्योंकि बहुत ही हैवी गेम है, तो इसमें टाइम लगता है, ओके। सो इस तरह से आपको फिर क्या होता है, जैसे गेम स्टार्ट होने लगेगा, गेम खेलने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट भी बनाना नहीं आता तो प्लीज उसको कमेंट्स बॉक्स में बता देना, उसके बारे में भी अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो इसमें कोई 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। APK को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, फिर उसको ओपन कीजिए, तो ये 814 MB का फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और आप डाउनलोड हो जाएगा अपने आप, फिर गेम भी अपने आप ओपन हो जाएगा, ओके। सो गाइस, और इसके अलावा मैं क्या बोल रहा था, तो मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर फ़ोन में चल जाएगा, हर एंड्रॉइड फ़ोन में चल जाएगा ये गेम, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 512 MB रैम वाले फ़ोन में भी ये गेम चल जाएगा, ओके। तो गेम का थोड़ा बहुत इज्जत तो रखो, बहुत ही हाई ग्राफिक्स गेम है, तो इसका इज्जत रखते हुए हम कम से कम इसके है ना 2 GB या 3 GB के अराउंड रैम होना चाहिए, ना स्नैपड्रैगन, शायद मेरा फ़ोन में मी A1 में स्नैपड्रैगन 625 है, फिर भी थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितने GB रैम एंड कौन सा प्रोसेसर चाहिए इस गेम को इजीली रन करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही वीडियोस, सच्चे वीडियोस पाने के लिए और ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए। बाय बाय, टेक केयर। फेक यूट्यूबर्स में से नहीं है भैया।